उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपकी मेंटर कोटाबाई। अब हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट की थी न्यू, उसकी अगली वीडियो देख लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ कुछ बेसिक एंट्रीज़ देखी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं, एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि आप एंट्रीज़ करें और उनका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो पहले तो हमने 5-6 एंट्रीज़ की थी, उनकी स्टेटमेंट्स कुछ ये थी, आई होप आप लोगों ने वो कर ली होंगी खुद ही। तो हम लोग 6 वाली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बस आई थिंक 6 वाली मैंने करवा दी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर ली है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि जो एंट्रीज आप लोगों ने की है उनका सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, अगर किसी ने की हो तो। सो 6 वाली एंट्री है, 6 नवंबर को थी और गुड्स सोल्ड की हैं कैश के लिए और वो 7 लाख का कैश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट कुछ इस तरह का था कि हमें डेट लिखनी है, टाइटल लिखना है, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग टाइटल लिखेंगे क्या हमने काम किया है, उसकी बेस के ऊपर जो हमारा कितने प्रॉफिट है या लॉस है या जो भी हम लोगों का लेन देन का है वो हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। और यहीं पे हम बताते हैं कि वो हमें पैसे मिले हैं, गए हैं, जो भी है वो सारा यहाँ पे होता है, और साथ में डेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें अपनी 6 वाली एंट्री, तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों ने सोल्ड किया है कैश के बदले में कुछ गुड्स को। ठीक है, हम लोगों को ये टेबल जो है हमेशा याद रखना है क्योंकि ये टेबल हमें बहुत सारा काम देगा आगे भी। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो जब होता है तो हम लोग उसको डेबिट लिखते हैं और हमारे गुड्स जो हैं यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं वो जा रहे हैं तो हम लोग एक किस्म का हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग आउटफ्लो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 की है एंट्री वो किसी इस तरह से होगी कि हमें कैश मिल रहा है और साथ में हमारा जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगली है 10 नवंबर को हम लोगों ने गुड्स परचेस किए हैं XYZ कंपनी से और यहाँ पे हमने उनकी अमाउंट लिखी हुई है और साथ में ये भी बताया कि हमने वो 20% जो है हमारा पास वहाँ पे ट्रेडिंग डिस्काउंट था। ठीक है, हम लोगों ने जो परचेस की थी तो 12,50,000 का जो 10% ट्रेडिंग डिस्काउंट बनता है वो उसको निकालने के बाद वो 10 लाख रह जाते हैं। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी कि हम लोगों ने गुड्स परचेस लिखे हैं और साथ में नीचे XYZ उस कंपनी का नाम लिखा है। यहाँ पे आप चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं, क्रेडिट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को डिफाइंड हो जाए कि एक स्पेसिफिक हमारी कंपनी थी, क्योंकि यहाँ पे हम 3-4 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज लिखी है, इधर भी मैंने गुड परचेज लिखी है, इन दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम है और लिखने का मतलब सारा सेम लिखा हुआ है। इस तरह मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब हम लेजर्स बनाएंगे तो इस तरह हमारा जब नाम सेम होंगे तो हमें लेजर्स कम बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमें लेजर्स हर नाम के लिए हर टाइटल के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं जहाँ पे गुड्स परचेज आ रहा है वहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखने के बजाय या सिर्फ परचेज लिखने के बजाय गुड्स परचेज लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अकेला गुड्स भी लिख सकते हैं, अकेला परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपके लेजर ज़्यादा बनेंगे, बस इस ये होगा काम। ठीक है, अगली है 12 नवंबर को गुड्स हम लोगों ने सेल किए हैं अलिस कंपनी को, 20 लाख के थे और लेकिन हमने उसको 40% डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 40% डिस्काउंट निकालने के बाद हमें प्राइस लिखनी होती है। तो जो 40% डिस्काउंट निकाला हमने 20% का, तो पीछे जो हमारे पास प्राइस बची है वो 12 लाख की थी और वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अगला है हमारे पास 15 नवंबर को अमाउंट हमने पे की है बाय टू XYZ कंपनी बाय चेक और वो 4 लाख की है। ठीक है, और वो हम लोगों ने कुछ इस तरह दी। यहाँ पे जितना भी बैंक चेक का काम हो रहा है उसको मैं एज अ बैंक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमें आप चाहें तो यहाँ पे चेक भी लिख सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, अगली जो हमारी है वो है कि 16 नवंबर को हमने फर्नीचर परचेस किया है और हमने चेक से पेमेंट की और वो 1,50,000 का है फर्नीचर परचेज आ गया। यहाँ पे मैं फर्नीचर स्पेसिफाई दिया हुआ है उन्होंने कि उन्होंने क्या चीज़ हमने परचेज़ की है तो हम वो लिखेंगे। अब फर्नीचर जो है वो भी हमारे एक एसेट्स है, लॉन्ग टर्म उसका हमारे पास बेनिफिट है तो इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और जो हमने कैश दिया है या जो हमने यहाँ पे जिस तरह लिखा था कि हम लोगों ने चेक के थ्रू पे किया है उसकी जगह हम लोगों ने बैंक लिखा है। ठीक है, तो 1,50,000 का था तो हमने वो भी बता दिया। ठीक है, आगे है हमारे पास 18 नवंबर चेक रिसीव फ्रॉम अलीस कंपनी, 8 लाख का चेक था और हमने वो उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक है, अब हमें इसकी एंट्री जो करनी है वो अलिस कंपनी की तरफ से हमें ओके वेट अ सेकंड, हमारे पास 18 नवंबर का था तो वो इधर नहीं है, पीछे लिखा हुआ। ओके, अलिस कंपनी की तरफ से हमें चेक रिसीव हुआ है 8 लाख का और वो हमने उसी दिन बैंक में करवा दिया इस डिपॉजिट।
तो हम लोगों ने एंट्री कुछ इस तरह से होगी। एलिस कंपनी की तरफ से हमें मिला है तो वो एलिस कंपनी का आ जाएगा नाम, और हमें चेक था हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो वो सीधा सीधा हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अगली जो हमारे पास एंट्री है वो है 19 नवंबर, गुड परचेज फ्रॉम एक्स वाई जी कंपनी आर एस 10 लाख एट 20% ट्रेडिंग डिस्काउंट। 10 लाख का ट्रेडिंग डिस्काउंट अगर 20 निकालें हम लोग 20%, तो हमारे पास 8 लाख बचता है। तो उसकी एंट्री को जिस तरह होगी कि गुड्स परचेज एक्स वाई जी कंपनी और 8 लाख का हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, अगली जो हमारे पास एंट्री है वो है कि हम लोगों ने 20 दिसंबर को गुड्स सोल्ड किए थे और हमारे पास कैश 5 लाख आया था। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, कैश सेल और हम लोगों ने अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट बहुत सिंपल सी थी, हमारे पास अली की इन गुड्स मतलब हमने अली कंपनी से गुड जो थे वो उसने सोल्ड किए थे और 20% ट्रेडिंग डिस्काउंट था। 10 लाख का फिर अगेन 20% हम लोग ट्रेडिंग डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास 8 लाख जो है वो अमाउंट बढ़ जाएगी। वो हम लोगों ने अमाउंट लिख दी, कंपनी का नाम लिख दिया और बाद में बताया कि हमने सेल्स उस कंपनी को स्पेसिफिक की है। अब अगली चीज़ है ये हमारी 15th एंट्री है, ये देख लेते हैं। 24 नवंबर को इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया है और वो 20,000 का था और हमने चेक के थ्रू किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली एक किस्म का एक्सपेंस है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे उसके आगे एक्सपेंस लिखेंगे। EXP मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, मैंने एज अ शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, आप चाहें तो पूरा का पूरा एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कैश रिसीव फ्रॉम अलीस कंपनी 25 नवंबर को और वो 2 लाख था। ठीक है, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह की होगी, कैश अलीस कंपनी और हमने अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट है कैश पे टू एक्स वाई जी कंपनी 26 नवंबर को, तो एक्स वाई जी कंपनी को हमने कैश पे किए और हमने कैश कितना किए वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है 27 को हमें कमीशन रिसीव हुआ है। अब जो कमीशन रिसीव हुआ है वो हम लोगों का एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कैश, क्योंकि कमीशन जो है हमें मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैश को डेबिट कर देंगे और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे है हमने कैश विड्रॉल किए, तो जब विड्रॉल को पैसे करते हैं हम उसे अकाउंटिंग की ज़ुबान में ड्रॉइंग कहते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग और कैश लिखा है, मैंने यहाँ पे विड्रॉल नहीं लिखा, ये याद रखना। और जो लास्ट वाला है ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, सैलरीज जो है या रेंट देते हैं या हमारे एक्सपेंस में आते हैं, या हम लोग कोई स्टेशनरी वगैरह परचेस करते हैं ऑफिस सप्लाइज के लिए या किसी चीज़ों के लिए, या कोई फ्यूल परचेस कर लिया, कोई खाने पीने का बिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमारे पास एक्सपेंस में आएंगी, ये हम लोग इनके साथ एक्सपेंस लिखेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा एक्सपेंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकती हैं, तो हमें यहाँ पे सारी मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली, एक 25,000 हमारा सैलरी था एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस 16,000 था, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों अगर मैं इनमें से कोई एक चीज़ लिख देती और दूसरा ना लिखती और इसकी जगह यहाँ पे जो मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं वो 41,000 ही रहते, तो मेरा हिसाब किताब गलत हो जाना था। इसलिए मुझे दोनों लिखना ज़रूरी है ताकि मेरा जो काम है मतलब जितने भी हिसाब किताब है वो सारे इक्वल रहे। और यहाँ पे नीचे दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो एंट्रीज हुई हैं वो सही हुई हैं। आगे जब हम जर्नल लेजर्स बनाएंगे या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें ज़्यादा पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे एंट्रीज के कई एक जो हैं वो एरर्स हमें पता लग जाते होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेजर्स करेंगे। और ये याद रखिएगा हम इन्हीं एंट्रीज पे काम करेंगे, मैं आपको कुछ लेजर्स बना के दिखाऊंगी, बाकी आपने ख़ुद बनाने हैं। और इसी तरह हम लोग ट्रायल बैलेंस का देखेंगे, तो ये एंट्रीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।